फाइनली अब मैं जो भी वीडियो लेकर आऊंगा आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लिए यानी 10 हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लेकर आने वाला हूं। फाइनल एग्जाम से पहले पहले जो 10 मॉडल पेपर अगर पढ़ लेंगे तो उसके 100% जो मैं तैयारी करा देने वाला हूं, और आप लोग जब पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को ओवर कॉन्फिडेंट आ जाएगा और ओवर कॉन्फिडेंट के साथ आप लोग एग्जाम दे पाओगे। तो इसलिए पूरी तरीके से इस सीरीज में बनकर के रहिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर दिन जब हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और 10 मॉडल पेपर को एग्जाम से पहले पढ़ ले। तो चलिए आज ये हिस्ट्री का सेट 1 है, ठीक है, मॉडल सेट 1। इसी तरह के हम लोग सभी सेट के अलग अलग 10 सेट लेकर आने वाले हैं। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं आपके जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट के मैं लेकर आने वाला हूं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो यहां पर 1 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का यानी पिता कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान करके अवशेष जो कहां से प्राप्त हुए थे। तो यहां पर दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दूसरा नंबर का बी नंबर होगा यानी मोहनजोदड़ो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर का, ए नंबर में क्या है मोहनजोदड़ो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लोथल स्थित है, तो लोथल कहां पर स्थित था है, तो इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर का, तो ए नंबर, ए गुजरात में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा चुका है। देखिए ये सारे प्रश्नों को अभी आप लोग देखिएगा, और देखिए आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट कहां से देना है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट जो है देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है अगर आप लोग एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाह रहे तो, ठीक है, मैं बताने वाला हूं लास्ट में। अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, तो यहां पर 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर में क्या है यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 6 नंबर का, तो 6 का राइट आंसर बी नंबर यानी मेगास्थनीज करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब 10 मॉडल पेपर को सारे सब्जेक्ट का कवर कराएंगे आप लोगों को, जिसमें से 100% तैयारी कराएंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी हम जो वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग सबसे पहले देख पाएंगे, फायदा ले पाएंगे। अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो यहां पर 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर में क्या है अशोक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने, कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाइन ने किस नदी के संगम पर की थी। देखिए काफी एनसीईआरटी पैटर्न पर क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर का, इनमें से सभी संगम पर, ठीक है, करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसके अभिलेख में भूमिदान का अभिलेख यानी उल्लेख मिलता है। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बोलिएगा, तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर का, प्रभावती गुप्त करेक्ट आंसर सी नंबर का, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न है। इसी तरह के हम लोग 10 सेट को सारे सब्जेक्ट का लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग को सोच सकते कितना अच्छी तैयारी मैं कराने वाला हूं, क्योंकि 1000 क्वेश्चन में तो 100% है कि वो उसी में से आपको पूछा जाएगा। अब यहां 10 नंबर को देखेंगे क्या बोला जाएगा कि मेघस्तरीज भारत में किस के दरबार में आया था। तो यहां पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में अगर डाउट है या फिर कंफ्यूजन है तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर जुड़ लीजिएगा, वहां पर जाकर के उसका समाधान मैं बता दूंगा। अब देखिए 11 नंबर का, अगर आप लोगों को डाउट हो तब, ठीक है। तो चलिए यहां देखिए 11 नंबर क्या होगा, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या, डी नंबर यानी राष्ट्रकूट ने कराया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत युद्ध जो चला था वो कितने दिनों तक चला था, तो यानी 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी 18 दिनों तक चला था। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई थी। तो यहां पर करेक्ट आंसर 12 नंबर का, तो 12 का राइट आंसर डी नंबर यानी पूर्व मध्य काल में जो है यानी क्या होगा, वंशानुगत जाति जो परिवर्तित हो गई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 नंबर का करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा, तो सी नंबर, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि भीम ने हिडंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। तो कौन सा विवाह संपन्न किया था, तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, यानी गंधर्व विवाह संपन्न किया था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो सी नंबर यानी राजगृह में हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर गुरु नानक हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न, आप लोग इसलिए पूरी तरीके से देखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि
आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विशेषता है। तो आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विशेषता है, तो कौन सा मुख्य विशेषता होगा? तो यहां पर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी कोशित के उपनिषद का, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर होगा। देखिए आप लोग भी पढ़ सकते हैं, पूरी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि बौद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो बौद्ध के उपदेशों का संकलन कौन सा? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा? तो बी नंबर। बी नंबर क्या है, सुत्त पीठक में, क्योंकि सुत्त पीठक में सारा जो है बौद्ध के बारे में बताया गया है। देखिए ये प्रश्न अगर आप लोगों को पढ़ लेंगे ना, एक अलग एनर्जी आएगा आप लोगों के अंदर, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की हैसियत से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला, 20 नंबर करेगी, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा? तो 20 करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, रायसेन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी 21 नंबर करेगी, कालिदास भवभूति सुबंध एवं बाणवट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका करेक्ट आंसर 21 नंबर का क्या होगा, तो 21 का करेक्ट आंसर श्री नंबर का, श्री नंबर क्या यानी शैव धर्म करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने अस्तूप बनाए? तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर 22 नंबर का जो होगा डी नंबर। डी नंबर में क्या है, लगभग 84,000 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तहकी के हिंदी में किसका यात्रा वृतांत है? तो तहकी के हिंदी में किसका यात्रा वृतांत है? तो यहां पर 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी अल बरूनी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर होगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया, तो किसके यानी किसके काल में आया था, यानी कौन आया था, फटाफट से जवाब दें। तो 24 का करेक्ट आंसर यहां पर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा? तो बी नंबर। बी नंबर फैयान करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फ्रांसवा बेरनियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था? तो यहाँ पर 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा? तो यानी 25 का बी नंबर। बी नंबर में क्या है, फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृतांत में कौन किया था? तो यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा? तो 26 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी इब्न बतूता करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा? तो बी नंबर, यानी क्या होगा, जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिख धर्म से करेक्ट आंसर 28 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह जो स्थित है ये कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर 29 नंबर का क्या होगा, ए नंबर, यानी आगरा में, सॉरी सलीम चिश्ती का दरगाह जो है ये कहाँ पर है, फटाफट से आप लोग को बोलनी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यानी कहाँ पर, आगरा में है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंडाल का सही परिचय है। तो अंडाल का सही परिचय इनमें से कौन सा होगा, फटाफट से बोलेगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 30 नंबर का जो हो जाएगा, तो ए नंबर, यानी वह अलवार की स्त्री थी, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को जो अपना पति मानती थी वो कौन मानती थी? इसका करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, यानी अंडाल मानकर, यानी अंडाल जो है अपना विष्णु को अपना पति मानती थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 32 नंबर का, जल्दी से बोलेगा? तो 32 का करेक्ट आंसर डी नंबर, यानी बल्लभाचार्य करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुल्तानुल हिंद किसे कहा गया था? तो सुल्तानुल हिंद किसे कहा गया था, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेंगे फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या है, अकबर ने बनाया था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेंगे गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध किससे? तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर में क्या है, मंदिर से संबंध है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था, काफी इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 36 नंबर का जो करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी बी नंबर, गणपति करेक्ट, गजपति करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा, कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप था उसका नाम था, तो क्या नाम था? तो 37 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यानी क्या होगा, यानी चंदगिरी नाम था, क्या नाम था, चंदगिरी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा, कि उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी 1435 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की, चलिए अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि किस
विदेशी यात्रा ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्र पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया था। तो यहाँ पर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो 39 नंबर का जो हमारा करेक्ट, जल्दी से बोलने आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या, अफनासी निकेतन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है कि महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पर क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर, ए नंबर डोमिंग पोइज क्या होगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है कि आमुक्त मल्याद किसने लिखी थी। तो आमुक्त मल्याद जो लिखी थी वो कृष्णदेव राय ने लिखी थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है कि दीन ए इलाही संबंधित है। तो दीन ए इलाही किससे संबंधित है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, अकबर से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो डी नंबर, डी नंबर में क्या, अकबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आईने अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल, यानी एक वर्ष में कुल कितने फसलें होती थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यानी तीन, यानी फसलें होती थी एक वर्ष में, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि परगना मुगल काल था। तो परगना मुगल काल कौन सा था, तो यहाँ पर देखिए 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 45 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, जल्दी से बोलेगा अगर आप लोगों को भी पता, तो ए नंबर होगा, यानी क्या होगा, यानी एक प्रशासनिक परमंडल था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आईने अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे। तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, डी नंबर में क्या है, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन है, तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने, तो बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी एच डब्ल्यू एच मोरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, जीतल क्या था। तो जीतल जो था ये क्या था, तो 48 का करेक्ट आंसर सी नंबर, एक सिक्का था, राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जहांगीर, सॉरी औरंगजेब जो है, यानी आलमगीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित इतिहासकार में कौन अकबर का समकालीन था। तो यहाँ पर क्या होगा, 50 नंबर का, तो 50 नंबर का जल्दी से आप लोग को बोलने, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी क्या होगा, यानी बदायूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुगल सम्राट में सामान्यतः महानतम सम्राट को माना जाता था। तो क्या माना जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर में क्या, यानी जलालुद्दीन अकबर को, यानी महानतम सम्राट माना गया है, ठीक है। ये सारे प्रश्न अगर पढ़ लेंगे तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि सुलु ए कुल का अर्थ है। तो सुलु ए कुल का अर्थ क्या होता है, तो 52 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, नहीं पूर्ण सार्वभौमिक शांति कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष में पहुंची थी। तो चित्रकला जो है किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा 53 नंबर का, जल्दी से आप लोग को, श्रीनगर जहांगीर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला करेगी, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा था। तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, ए नंबर में क्या है, यानी अकबर के, यानी इसमें लिखा था, ठीक है, हुमायूं नामा, ओके। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, दारा एवं शाहजहाँ के पास आगरा में रहती थी। तो कौन रहती थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो, ए नंबर, यानी शाहजहाँ, यानी जहाँ आरा रहा करती थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना, क्वेश्चन नंबर 26 का, मतलब 56 का, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में सुलुए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था, यानी प्रतिपादन किसने किया था, फटाफट से आप लोग को जवाब देना। तो 56 का करेक्ट आंसर बी नंबर का, बी नंबर क्या है, अकबर ने किया था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो यहाँ पर क्या होगा, 57 का करेक्ट आंसर डी नंबर, डी नंबर में क्या है, यानी बहादुर शाह जफर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था। तो अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, श्री नंबर, श्री नंबर कॉर्नवालिस से जुड़ा था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कंपनी काल में अकबर शक्तिशाली जमींदारों के लिए शब्द जो प्रयोग करता था वह था, तो क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यानी बी नंबर, बी नंबर में क्या है, राजा कहा करता था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बोला जा रहा है कि महाराजा मेहताब चंद का जीवन काल था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 60 नंबर का, तो 60 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर में क्या है, जल्दी से बोलिए, 1920 से 1869 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो यहाँ पर 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं, फटाफट से बोलने हैं, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो यहाँ पर 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है। तो यहाँ पर 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो 62 नंबर का राइट आंसर यानी सी नंबर, पांचवी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बोलिएगा, बहुत बढ़िया। तो 63 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी 1875 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि व्यापगत का सिद्धांत का संबंध था। तो व्यापगत का सिद्धांत का संबंध, तो इसका 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, तो 64 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा जल्दी से बी नंबर, बी नंबर में क्या है, यानी डलहौजी से था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा फटाफट से, बी नंबर, बी नंबर में क्या है, यानी नाना साहब करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, 66 नंबर का, तो 66 का करेक्ट आंसर ए नंबर, यानी 10 मई 1857 में कर दिया था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं, कह रहे कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्रों में किसने अंग्रेजों को परेशान किया। तो यहाँ पर क्या होगा, 68 नंबर का, तो डी नंबर, यानी इनमें से सभी ने परेशान किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा, तो इसका 69 का करेक्ट आंसर सी नंबर का, सी नंबर में क्या है, ए और बी दोनों गए थे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि फटाफट से देखना है हम लोगों को अगला। चलिए तो यहाँ पर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ गिरफ्तार किया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी हुमायूं के मकबरे से किया था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि 1838 से 1863 तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। तो किसने किया था, तो 71 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी महारानी बेजाबाई सिंधिया, ठीक है, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो यहां पर हमारा 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा, तो 72 नंबर का आप लोग को भी बोलने, तो ए नंबर क्या होगा, यानी ए नंबर में क्या है, यानी वीडी सावकर ने कहा था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो कब हुई थी। तो यहां पर 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी 1911 में हुई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय, यानी 10 वर्ष में जनगणना शुरू हुई थी, ये कब हुई थी। तो फटाफट से आप लोग को बताना है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 74 का करेक्ट आंसर सी नंबर का, यानी 1881 में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर आप लोग को पूछा है सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो 1871 में हुआ था, बट सक्सेस जो हुआ था 1881 में हुआ था, ठीक है। अब यहां देखिए विक्टोरिया टर्मिनस की शैली का इमारत है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को 75 का जवाब देने हैं, तो 75 का देखिए यहां पर बी नंबर होगा, नौ गैथिक शैली हो जाएगा। इस प्रश्न के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने एक बार लाइव में बोल रहे थे कि सर मैं भी बताया था इंडो सार्सनिक, लेकिन देखिए मैंने एनसीईआरटी बुक देखा तो नौ गैथिक शैली है, तो आप लोग को चलना है एनसीईआरटी के मातहत, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा, कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। तो यहां पर 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो सी नंबर, सी नंबर में इंडो सार्सनिक, क्या होगा, इंडो सार्सनिक, यानी उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। तो यहां पर 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर में क्या है, यानी महात्मा गांधी की, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो यहां पर आप लोगों को फटाफट से जवाब देने हैं, तो 78 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर में क्या है, यानी 1931 में हुआ था। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था। तो यहाँ पर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, ए नंबर में क्या है, नहीं नील आंदोलन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि गांधी ने असहयोग आंदोलन
किस वर्ष आरंभ किया था? तो यहां पर हमारा 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 80 नंबर का ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है 1920 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो यहां पर करेक्ट क्या होगा 81 नंबर का, तो 81 करेक्ट आंसर यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या है असहयोग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा यानी 1932 में हुआ था। देखिए ये सारे प्रश्न पढ़ने के बाद आप लोगों को एक अलग सी कॉन्फिडेंट होगा कि मुझे कितना क्वेश्चन आ रहा था, कितना का जवाब मैं दे पाया। अब यहां देखिए महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे, देखिए असफल हो रहे ये कहे थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि देखिए फटाफट से आप लोगों को जवाब देना करेगी, 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? तो यहां पर क्या हो जाएगा जल्दी से बोलने आप लोगों को, 84 का ए नंबर यानी 11 करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कब शुरू किया था? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलने आप लोग, 85 नंबर का, तो यानी बी नंबर, चंपारण से शुरू किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि चौरी चौरे कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहे कि नमक कानून किसने तोड़ा? तो यहाँ पर 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा यानी महात्मा गांधी ने तोड़ा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो शहीद आजम किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर 88 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा नहीं सरदार भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पर 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा यानी दिसंबर 1916 ईस्वी में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि 90 नंबर, कह रहा है कि फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा यानी ए नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है था। ठीक है, अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन यानी सही है? तो 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर। डी नंबर क्या यानी तीनों कथन सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा पर आजाद यानी कहाँ पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो 92 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर ने सिंगापुर में किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थाई सरकार की स्थापना का घोषणा सिंगापुर के यानी कैल हाल में कब की थी? तो ये डेट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 93 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बोलेगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा यानी 2 अक्टूबर यानी 1943 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि अगस्त 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के किस पार्टी की सरकार थी? तो आप लोगों को 94 का जवाब देना है, तो 94 का करेक्ट आंसर ए नंबर का यानी लेबर पार्टी के थे। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका 95 का करेक्ट आंसर सी नंबर का 1885 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 96 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर में क्या यानी सिराज गोपालाचारी करेक्ट आंसर, सॉरी यानी भारतीय संविधान प्रारूप समिति डी नंबर यानी क्या होगा यानी भीमराव अंबेडकर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए मैं टिक करने में थोड़ा सा यहाँ पर सीख कर रहा था, बट यहाँ पर आप लोग को मैं पहले ही बोल चुका था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी 57 का ए नंबर, 97 का ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी कब दी थी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा यानी 98 का ए नंबर होगा, 16 जून 1946 को दी थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या यानी 284 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर यानी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन थे, तो यहां पर क्या होगा, पैथिक लॉरेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि टेस्ट और पीडीएफ कहां से लेंगे। सबसे पहले चलिए आप लोग गूगल की ओर,
गूगल में आने के बाद आप लोग को टाइप करना है, यहाँ पर टाइप करना क्या, bbphelp.com, ठीक है। जब bbphelp.com टाइप कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोग को सारा चीज मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग को हिस्ट्री का मॉडल पेपर, पीडीएफ नोट्स, यानी जहाँ पर क्लिक करने के लिए बोल रखा है, यानी ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर सब्जेक्टिव, जहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप लोग को सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा आपके फोन में, अगर आप bbphelp.com गूगल में लिखेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर से आप सारा कंटेंट है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और देखिए ऑनलाइन टेस्ट कैसे देंगे, ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप लोग को नीचे आना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर देना और उसके बाद मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, तो जहाँ पर क्लिक करने के लिए बोला है वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ये सारा चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।